इंदौर में यादव अहिर सेना का वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। वहीं इस मौके पर समाज की एकता अखंडता पर मंथन किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। हर साल की तरह इस साल भी इंदौर में मध्य प्रदेश यादव अहिर सेना का मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें बंते यादव, रमेश यादव, राकेश सिंह यादव, आईपीएस यादव, हरिनारायण यादव, शशि यादव, योगेश यादव, ओंकार यादव, मुकेश यादव सहित समाज की दिग्गज हस्तियां मौजूद रहीं। क्या सहयोग दे सकते हैं? उसके अनुरूप राकेश भाई का एक राकेश भाई का विजन अलग प्रकार का, उनका एक सोच अलग प्रकार का। बाकी कई लोग जो समाज की आवश्यकता है, सामूहिक परिचय सम्मेलन, तो यही बहुत आवश्यक है समाज के लिए। तो वे क्या अलग अलग अपने संगठन के माध्यम से करते रहते हैं या आईडिया से आप बैठे हैं, सामूहिक व्यवहार करते रहते हैं लगातार, कितने समूह कितने करते आए थे लगातार सामूहिक व्यवहार करते रहे। इस दौरान यादव अहिर सेना द्वारा सामाजिक कार्यों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए यादव समाज की दो विभूतियों को अभिषेक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं आईडीए के पूर्व उपाध्यक्ष हरिनारायण यादव ने सामाजिक एकता का पाठ पढ़ाया और समाज बंधुओं को एकजुटता के साथ समाज हित में जुटने का आह्वान किया। कि यादव के बिना कोई भी विधायक नहीं बन पा रहा, कोई भी। मैं सुरेंद्र सिंह के साथ था, पांच बार सुरेंद्र सिंह जो है विधायक, अभी जो विधायक बने एक नंबर से वो भी यादव के नाम पर बन रहा। और भी इंदौर में जो भी विधायक है वो यादव के बिना उनकी दुकान चलती है। और हमारा दौभाग्य ये है, हम लोग कभी कभी किसी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, पीछे रह जाते। हमारे बंदे पहलवान पूर्व पार्षद हैं और इंदौर की एक अच्छे हम ग्रुप में गिने जाते हैं, कांग्रेस में नहीं हूँ, जिस पार्टी में भी हूँ वहाँ उनका स्थान है। तो मैं सत्यन भाई से निवेदन करूँगा, क्योंकि आप प्रदेश में मेरे प्रदेश का महामंत्री हूँ, हम कहीं ऐसी पहल करें। मऊ से योगेश भाई को मिलाकर यादव अहिर सेना के इस वार्षिक मिलन समारोह में समाज की मजबूती, एकता और समाज की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने पर मंथन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।